सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहे और हमारे चैनल से आपको अलग अलग प्रकार के वीडियो जो है दिखते रहें। ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। हम उमापति सर आज आपको पढ़ा रहे हैं टेली प्राइम। टेली क्लास में हम आज आपको बताएंगे कि हाउ टू क्रिएट बजट इन टेली। टेली में हम बजट कैसे बनाते हैं ये आज आपको हम बताएंगे। तो बजट जो होता है वो हमारा स्पेंडिंग प्लान होता है इनकम और एक्सपेंस के लिए। अदरवर्ड में हम बोल सकते हैं कि हमारे जो पैसे होते हैं जिसका यूज करना हमको भविष्य में, या हमको खर्चा करना है या हमको कमाना है, तो उसी का ये सिस्टम होता है। ये हमारा आय व्यय का विवरण होता है जो हम प्रयोग करते हैं कि कितने दिन के लिए, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए कितना हमको यूज करना है, उसी का हिसाब किताब रखना ही, या अपने घरों में खर्चे और इनकम का हिसाब किताब रखना ही बजट कहलाता है। तो हमारा जो बजट होता है इसका सिस्टम होता है अलग अलग चीज़ के लिए। तो हम जो है टैली बजट की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, कैसे बजट बनाते हैं टैली में, वो सीखने चल रहे हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है 1/4/22 को हमने सपोज किया है कि मोहन एंड सन्स कंपनी जो है मेंटेन किया है बजट। एम्प्लॉय अर्थात सेल्समैन है एम्प्लॉय, जिसका नाम है मिस्टर विजय कुमार, टूवर्ड पेट्रोल एक्सपेंसेज 80,000 रुपये फॉर 1 ईयर। ये जो है कंपनी है मोहन एंड सन्स कंपनी, इन्होंने जो है बजट बनाया हुआ है सेल्समैन जो एम्प्लॉय हैं मिस्टर विजय कुमार, पेट्रोल खर्चे के लिए 80,000 रुपये। विजय कुमार को 80,000 रुपये पेट्रोल खर्चा दिया गया साल भर के लिए, जो इनको साल भर तक 80,000 रुपये यूज करना है। तो हम इस पेट्रोल एक्सपेंसेस का जो है लेजर बना लेंगे यहाँ पे। इन डायरेक्ट एक्सपेंस में कंपनी का खर्चा है और कैश का कैश इन हैंड भी बना लेंगे। अब इसकी एंट्री करने के लिए जो है हम टैली में आते हैं, टैली प्राइम स्टार्ट करते हैं। हमारा टैली प्राइम है स्टार्ट करते हैं, जो हम पहले से यहाँ टैली प्राइम स्टार्ट कर लिए हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कंपनी बना चुके हैं मोहन एंड सन्स कंपनी बजट, इसी नाम से हम कंपनी बना चुके हैं। अब गेट वेयर टैली में इसी में हम आएंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे क्रिएट पे, और क्रिएट पे आने के बाद सबसे पहले हम बनाएंगे लेजर। लेजर पे आने के बाद हम लेजर बनाएंगे पेट्रोल एक्सपेंसेस का। पेट्रोल एक्सपेंसेस को हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कंपनी का खर्चा है, और यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा लेजर बन चुका है। अब हम बैक करके आएंगे गेट वेयर टैली में, देखना चार्ट ऑफ अकाउंट पे आएंगे, यहाँ से हम लेजर पे आएंगे और यहाँ से कंट्रोल एच चेंज भी करेंगे और यहाँ लेजर भी लेके इंटर करेंगे। तो कैश का कैश इन हैंड में हमारा लेजर बना हुआ है, पेट्रोल एक्सपेंस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और प्रॉफिट लॉस का प्राइमरी बना रहता है। तो हमारा जो है लेजर बन चुका है। बैक करके हम आएंगे गेट वेयर टैली में, ये गेट वेयर टैली, फिर से हम आएंगे क्रिएट में, और क्रिएट के बाद हम जाएंगे यहाँ पे सो मोर ऑप्शन दिया गया है, सो मोर का, इस सो मोर ऑप्शन पे हम आएंगे। सो मोर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलेगा बजट का। ये जो बजट का ऑप्शन हमको मिला है, इस बजट पे जो है हम क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ बजट के लिए सब बॉक्स आ गया है, नाम लिखेंगे पेट्रोल एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम अंडर प्राइमरी ले लेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पीरियड डालेंगे बजट का 1/4/22 से 31/3/23, ये हमारा बजट हो गया। इसका जो पीरियड है बजट का, ये गलत हो गया, यहाँ पे फिर से डाल देंगे 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, ये हमारा पीरियड हो जाएगा 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। इंटर करेंगे और यहाँ पे हमको किसके अनुसार बजट बनाना है, जैसे सेट अल्टर बजट आप किसके अनुसार बनाना, ग्रुप के अनुसार कि लेजर के अनुसार। तो ग्रुप पे नो रखेंगे और लेजर पे यहाँ पे आके यस करेंगे। लेजर पे यस करके हम इंटर करेंगे तो बॉक्स आएगा, यहाँ पे अकाउंट नेम में स्पेस करेंगे, यहाँ ले लेंगे हम पेट्रोल एक्सपेंसेस, इंटर करेंगे। और यहाँ टाइप ऑफ बजट में हमारा दो प्रकार का है, एक ऑन क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग लेंगे तो हमारा 80,000 रुपये ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, और नेट ट्रांजेक्शन लेंगे तो हमको मिल सकता है, इसलिए हम नेट ट्रांजेक्शन यहाँ पे लेंगे, जिससे हमको बाद में 80,000 रुपये से अगर कम पड़ता है तो बाद में पैसे ले सके। इंटर करेंगे और यहाँ 80,000 रुपये अमाउंट डाल देंगे, इंटर करेंगे।
अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं इंटर करना है, तो हम यहाँ पे इंटर डाल देंगे। अब यहाँ पे हमको जो है कुछ नहीं इंटर करना, फिर हम इंटर डाल देंगे और करेंगे हम एक्सेप्ट। ये हमारा जो बजट बन चुका है, इसको देखने के लिए जो है हम बैक करके आएंगे गेटवे ऑफ दिल्ली में, और गेटवे ऑफ दिल्ली में वहाँ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इस ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से हमारा ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, इस पे आएंगे। और यहाँ हमको जो है ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, F10 लिखा गया है, बजट वेरियंस, ये सर्टिफिकेट F10 बजट वेरियंस, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम जो है अपना जो बजट बनाए हुए हैं लिस्ट ऑफ बजट में से पेट्रोल से, इसको लेकर के इंटर करेंगे, तो हमारा बजट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 1 अप्रैल एक दिन का जो बजट है क्लोजिंग बैलेंस 219 रुपये 18 पैसे मिला है, ये हमारा बजट है। अगर हम 219 रुपये 18 पैसे जो है हम एक दिन का प्रयोग करेंगे, तो हमको 80,000 रुपये में हमारा बजट जो है मेंटेन हो जाएगा, आपको घटेगा नहीं पैसा। अगर हमको 1 महीने देखना है या 2 महीने या 7 महीने का देखना है, तो हम F2 करेंगे, यहाँ पीरियड पे आएंगे। और यहाँ से 1 अप्रैल से लेकर के कब तक देखना है, मान लो 1/5/22 तक हमको देखना है, तो यहाँ 1/5/22 तक एंटर करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं हमारा 1 अप्रैल से 1 मई तक का जो है 6,794.52 रुपये खर्च करेंगे, तो हमारा जो है साल भर का 80,000 रुपये बजट हमारा मेंटेन हो जाएगा। ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ से कब कितना प्रयोग करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम बजट प्रयोग करेंगे जितना, वो यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा देखने तरीका है बजट और बनाने तरीका हो गया बजट। गेटवे ऑफ दिल्ली में आएंगे, अब हमको जो है बजट बन गया है, देख लिए कहाँ देखना है। तो बजट बनाने के लिए क्रिएट से बनता है, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से, ट्रायल बैलेंस से, और यहाँ बजट वेरियंस से आकर के बजट ले करके यहाँ देख सकते हैं। जो देखने का तरीका हमारा है 1 अप्रैल का, अप्रैल में एंट्री किया हमने, यहाँ देख सकते हैं। अब जो है हम बैक करते हैं, गेटवे ऑफ दिल्ली में आते हैं, और ये बजट बनाना आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर दीजिए, जय जय भारत।